गुंडा प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाएंगे नहीं तो जेल के अंदर में रहेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं, आज गुंडा जाकर के पंजाब के जेल में छुपा हुआ है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कैसे बचा रही है कांग्रेस की सरकार ऐसे अपराधी को जितने 40-45 हत्या किया। गाजीपुर की महमूदाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक अलका राय ने एक बार फिर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर बड़ा हमला बोला है। विधायक अलका राय ने खुले मंच से मुख्तार अंसारी को गुंडा बताते हुए डरपोक कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी एक गुंडा है जिसने माँ बहनों को विधवा किया है और इसी गुंडे को पंजाब की कांग्रेस सरकार बचाने का काम कर रही है। गुंडा प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाएंगे नहीं तो जेल के अंदर में रहेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं, आज गुंडा जाकर के पंजाब के जेल में छुपा हुआ है। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कैसे बचा रही है कांग्रेस की सरकार ऐसे अपराधी को जितने 40-45 हत्या किया। गाजीपुर पूरा जिला को अपराधियों हत्या करके सबको विधवा बना दिया, माँ बहनों को, नौजवान भाइयों को अनाथ बना दिया, जिसका पिता छिन गया हो, जिसका भाई छिन गया हो, जिसका बहन का भाई छिन गया हो, जिस माँ का लाल चला गया हो, ऐसा अपराधी जाकर के पंजाब के जेल में बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश आने में एक बार डर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी अलकार, योगी आदित्यनाथ जी अलकार। मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है, हमारे मंत्री जी ने सारी बातें आपको बीच में कहा है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, ऐसी सरकार है कि आज अपराधी भी डर रहे हैं और गरीबों के लिए हित में काम करने वाली एक भाजपा ही सरकार है जो गरीबों के लिए सोचती है, जो किसानों के लिए सोचती है, जो महिलाओं के लिए सोचती है, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है। मुख्तार अंसारी मौजूदा समय में पंजाब की जेल में बंद है। इससे पहले अलका राय कई बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने को लेकर चिट्ठी भी लिख चुकी हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।